हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है ये आइसोमेट्रिक व्यू। तो उसमें आपको क्वेश्चन ये 7 मार्क्स के लिए दिया था पिछले एग्जाम में। तो इसमें आपको दिया है ओरिजिन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पहले तो हमें एक काम करना है, आइसोमेट्रिक व्यू देखा है तो पहले आपको एक लाइन मारना है, लाइट में मारना है। ये मैं आपको दिखने के लिए थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, एंड देन मेक अ पॉइंट। फिर यहाँ से इसका यूज करो, यहाँ से 30 डिग्री एंगल लो, 0 to 30, एंड यहाँ से 0 to 30 एंड 90, एंड देन स्ट्रेट लाइन। 3D व्यू के लिए एंगल लिया है 30 एंड ये एंगल 30। ये मैं दिखने के लिए डार्क कर रहा हूँ, लेकिन करते समय ये सब लाइट करना है, सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डार्क दिखना चाहिए। सो नेक्स्ट, दिस इज आवर सेंटर ओ, एंगल 30 डिग्री, ये लिख दिया। फिर अभी क्वेश्चन में देख रहे तो ये ओ, ये LHS है, ये फ्रंट व्यू है। सो लेफ्ट हैंड साइड तो ये साइड आएगा और फ्रंट व्यू आपका ये साइड आएगा। तो पहले एक रफ डायग्राम बना के देख लेने का कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, पहले ये दो फिगर्स है उसको रफली ट्राई करेंगे जॉइंट करने के लिए। तो आपका बनेगा कैसे, रफ में आप बनाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसे दिख रहा है कुछ, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। राइट हैंड साइड में आपको ऐसे दिख रहा है कि ये ऐसा है, ऐसा है, अभी ये दोनों को जोड़ना है तब जाके आपका पार्ट बनेगा। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कट हो रहा है जो आपको दिख रहा नहीं है। फिर इसके थोड़े ऊपर एक और एक कट है जो यहाँ पे जुड़ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे एक कट है, एंड फिर बाद में ये ऊपर ऐसा है। सो इसको ट्राई करेंगे तो पहले आप ये जो है आगे आगे से 20, यहाँ पे ये जो दिख रहा है फ्रंट व्यू 20, तो ये पहले बना लेंगे। सो फर्स्ट यहाँ से 2, रोलर स्केल्स यूज करो और इसका डिस्टेंस इतना सा 10 है यहाँ से। सो मतलब यहाँ पे 1, तो ये हो गया आपका फ्रंट में। और इसका ये जो टोटल डिस्टेंस दिया है लेफ्ट हैंड साइड 50 है, मतलब ये साइड में आपको 50 लेना है, मतलब 5 सेम गैप रहेगा आपका। रोलर स्केल को ऊपर लेंगे वैसे ही, रफ लाइन, फिर वहां पे 5 का मेजरमेंट लेंगे, ये आपका 3D डायग्राम बन गया। देन तो ये पार्ट आपका बन गया है दोनों साइड से। फिर बाद में देखेंगे तो ये पूरा जो है 40 10, और ये आगे भी है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का 40 बना लेते हैं।
फिर उसके बाद 10 है 50, फिर और एक 10 60। सो यहाँ से 4 10 एंड 10, तो यहाँ पे आपका फिगर कंप्लीट हो रहा है। तो रूलर स्केल स्ट्रेट लाइन आपका ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ पे आपका 4 आया, एक लाइट लाइन 5 6, तो ये साइड हो गया पूरा कंप्लीट। तो इसमें देखने क्या मिल रहा है आपको कि ये ऐसा है यहाँ पे कंप्लीट, देन इसका एंडिंग कर देते हैं। तो लास्ट में ये जो हाइट है इसका 10 40 40 50 60 70, तो 70 का ये हाइट ले लेंगे, 7। अब यहाँ पे 20 छोड़ देंगे टर्निंग के लिए, फिर उसके बाद 4 अब यहाँ से ये जो 10 है तो ये कुछ ऐसा है, सो रफली मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये एल जैसा शेप आ रहा है, फिर ये ऐसे बनेगा, तो वो तो हम बना लेंगे। पहले एल जैसे शेप के लिए 20 ऊपर है और यहाँ से 40 है, दैट मीन्स ये तो नीचे का 10 हो गया, ऊपर 40 और है। सो ये लाइन के रेफरेंस में आप यहाँ पे रोलर स्केल यूज करेंगे, यहाँ पे 4 उसके ऊपर और 2, फिर यहाँ पे भी 2 लिया है, एंड यहाँ पे भी 2। सो यहाँ पे एक पार्ट ऐसा आएगा एंड ये कंप्लीट हो गया है ये वाला साइड। तो अभी नेक्स्ट साइड आपका है ये वाला फ्रंट व्यू में आपको क्या करना है, नीचे वाला पार्ट बना दिया, तो अभी ऊपर वाले पार्ट के लिए यहाँ पे दिया है ये वाला जो लाइन है ये सीधा यहाँ पे जॉइंट हो रहा है 10 को, उससे पहले यहाँ पे यहाँ तक जॉइंट हो रहा है। सो ये जॉइंट कर देंगे, एंड देन यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लिया है 20, तो फिर यहाँ से 20 ऊपर से, सो 20 के इसमें गैप है यहाँ से ऐसा है। तो इसको ठीक से देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ से आना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, यही साइड है, तो इसका मतलब है ये फिगर पीछे ट्रायंगल वाला बेस और यहाँ पे ये कंप्लीट ये हो रहा है रेक्टेंगल शेप में। तो यहाँ पे ये जो बनेगा आपका, तो सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप बनेगा इस फेस में, फिर ये आगे ट्रायंगल फेस यहाँ पे बनेगा पीछे की साइड। सो
सो ऊपर से हम लोग फाइव ले लेंगे क्योंकि बेस हमारा फाइव है। तो ये रहा आपका पॉइंट जहाँ तक ये ट्रायंगल जाएगा, और ये यहाँ से अभी 20 का डिस्टेंस जो है ट्रायंगल का लिया है। सो यहाँ से 20 मतलब इधर, एंड फिर ये यहाँ से भी 20 मतलब कुछ इस तरह का फिगर बनेगा आपका। तो ये डायग्राम में ये यहाँ से हमने 20 लिया था, ये तो मेन है बेस, ये ऊपर 5 है तो उसमें से आपको 25 चाहिए यहाँ पे। सो 2.5 यहाँ पे डिवाइड ऐसे करेंगे कि ये साइड कम हो जाए और बीच में सिर्फ 25 बचे। सो उसके लिए दोनों साइड 1.25 का गैप दे देंगे। सो 1.2 एग्जांपल ये इतना गैप यहाँ से और यहाँ से 1.2 का गैप, तो ये हो गया आपका बीच में जो पार्ट है। एंड ये अभी जुड़ जाएगा इधर से, सो ये यहाँ तक आ रहा है एंड ये गैप यहाँ तक फिल हो गया है, इसमें ज़्यादा अंदर का कंस्ट्रक्शंस था क्योंकि ये शेप ही ऐसा था कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, रेस्ट ऑल सेम। बाकी ये अपना पार्ट ओरिजिनल वाला एंड ये अपर टॉप व्यू, यहाँ पे ये पार्ट ऐसे कट है। सो और फिगर इज कंप्लीटेड। अभी हमें जो वेस्ट लाइंस है जो एज्यूम किए थे ये लाइंस को हटाना है। या फिर इसे लाइटली रख सकते हैं। और जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको डार्क कर लेंगे। सो दैट्स ऑल, दिस इज आवर डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसका मेजरमेंट आपको देना है तो दे सकते हैं। थैंक यू।